11th क्लास, गुड मॉर्निंग। तो हमारा अगला टॉपिक है ऑपरेशन ऑफ सेट्स, है ना। आपने पहले का पढ़ लिया होगा, छोटे छोटे टॉपिक्स थे। अब धीरे धीरे रफ्तार बढ़ाना भी पड़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ाना पड़ेगा, तेज़ी से काम भी करना पड़ेगा। ऑपरेशन ऑफ सेट्स, सेट्स के बारे में तुम जान चुके हो, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, इसमें बहुत सारा चीज़ आता है ना। एक यूनियन आता है, यूनियन है ना, इसको ऐसे, इसको यू नहीं कह सकते, बस ये यू से डिनोट करते हैं यूनियन। और क्या होता है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इसको ना उल्टा यू, रिवर्स, है ना। ये सब ऑपरेशन ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट, ये सब पढ़ोगे आप, कॉम्प्लीमेंट, फिर सब्सट्रैक्शन, ऐसा कुछ पढ़ोगे, इस तरीके से कुछ पढ़ोगे आप, ठीक है। तो अब जरा देखो ये सब है क्या, मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लो मैंने एक सेट लिया ए 1 3 5 7, ठीक है। एक और सेट लिया बी 2 3 4 5, एक और सेट लिया 1 3 5 8, ऐसा, ठीक है। अब एक आपने टर्म पढ़ा होगा यूनिवर्सल सेट, इसको यू कहते हैं, यू, यूनिवर्सल सेट। ये यूनियन, यूनियन वाला यू नहीं, ये यू है ना, यूनियन हम ऐसे लिखते हैं। तो यू जिसमें सारे के सारे आ जाते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा ले लेते, ठीक है, देख लो। तो आप देख रहे हो यू में सारे ए भी इंक्लूड है, बी भी इंक्लूड है, और सी का भी हर चीज़ शामिल होगा, यू दिखाई देगा। अब जरा देखो ऑपरेशन यूनियन का मतलब क्या होता है। अगर ए ए यूनियन बी को ना, तो यूनियन का मतलब होता है सम, ऐड कर दो, दोनों सेट को ऐड कर दो। अब ये ऐड कैसे करोगे, तो कोई सिंपल अलजेब्रा तो लगाओगे नहीं, ये अलग तरह का मैथमेटिक्स है। तो पहले ए को आप देखो, आप ए को 1 सुनते रहो, 5 7। अब देखो ए ले लिया, बी का कुछ छूटना भी नहीं चाहिए, बी में 2 था, इसमें बी का 2 कहीं है, नहीं है ना। फिर 3 3 आ चुका, आपको पता है सेट्स कभी रिपीटेड नहीं होता, इसे रिपीट नहीं करेंगे, है ना। बी में 4 है तो 4 को शामिल करना पड़ेगा, देख रहे हो इसको, और 5 है, 5 ऑलरेडी आ चुका। तो इसको थोड़ा ढंग से लिख लेंगे, क्या 1 2 3 4 5 7, ये हो गया यूनियन, मतलब ए भी इंक्लूड, बी भी इंक्लूड, राइट, है ना। अब देखो इंटरसेक्शन, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, वर्ड्स में आप समझ जाओ। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, कॉमन इन दोनों में कॉमन क्या बताओ, तो ए और बी में क्या कॉमन है, 1 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन नहीं है, 3 दोनों में कॉमन है, और 5 दोनों में कॉमन है। तो ये हो गया इसका इंटरसेक्शन, है ना, ये हो गया इंटरसेक्शन, क्लियर है। इसके बाद माइनस, ए माइनस बी, माइनस कैसे करते हैं ये भी देखिए आप। पहले आप ए को लिख दो, ये आम अलजेब्रा तो है नहीं कि कुछ भी करते रहो। अब फिर देखो बी माइनस करना है, तो पता करो, अब पता है इनमें से वो चीज़ हटाओ जो दोनों में कॉमन है, ए और बी में, बताओ जिसे 1 है ना, बी में 1 है क्या, नहीं है, तो पड़ा रहेगा 3, ए में 3 है, बी में 3 है क्या, ये हट जाएगा, 3 है, ए में 5 है, बी में है, बिल्कुल है, तो ए माइनस बी हमारा क्या हो जाएगा, 1 7, देख लो। अगर मैं कहता ना कि बी माइनस ए क्या होगा, तो पहले मैं बी को लिख देता हूँ 2 3 4 5। अब मुझे बताइए कि बी में से ए, ए में 2 है क्या, नहीं है, ये रह जाएगा, ए में 3 है क्या, बी में 3 है, ए में 3 है क्या, बिल्कुल है, देख रहे हो, कैंसिल, और फिर ये 5 कैंसिल, तो यहाँ से बी माइनस ए क्या हो गया, देखो तो बी माइनस ए हो गया 2 4, तो ये हो गया माइनस प्लस। इसके बाद आप समझिए कॉम्प्लीमेंट, ऑपरेशन ऑफ सेट्स में आता है कॉम्प्लीमेंट, प्लस हो गया मतलब यूनियन, फिर इंटरसेक्शन हो गया कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसे, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसे ए नॉट, ठीक है। अब जरा देखो ए नॉट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, देख लो इसको हम ऐसे बोलते हैं ए नॉट, ए नॉट,
ए नॉट, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से यू नहीं, यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस कर दीजिए। अब यूनिवर्सल सेट में तुमने क्या लिया, तमाम चीज़ें ली ना, 4, 5, 6, 7, 8। अब ए माइनस करो, 1 ए में शामिल है क्या? अच्छा मैंने अभी मिटा दिया, वैसे 1 भी शामिल था है ना, आई थिंक क्या था, ए में शामिल था आपका 3 भी शामिल था, तो 3 भी हट जाएगा, और 5 भी शामिल था और 7 भी शामिल था, तो आपको याद है मैंने अभी मिटा दिया, तो क्या रह जाएगा, 2, 4, 6, 8 ये हो जाएगा आपका। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट, क्लियर है, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट, ये सब बार बार आएगा। अभी आप देखो, अब जरा देखो, जैसे मान लो यूनिवर्सल सेट मैंने मिटाया नहीं है, रहने दो, ए फिर से ऐसा कुछ ले लेता हूँ, 1, 2, 5, 8 ऐसा ले लिया इस बार, ठीक है चेंज, और बी को मैं ऐसा ले लेता हूँ, 1, 3, 4, 7, और सी को मैं यूँ ले लेता हूँ, 1, 2, 7, 8 ऐसा ले लेता हूँ, यूनिवर्सल सेट वहाँ है, क्लियर। अच्छा अब जरा एक बात बताओ, अभी तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, और क्या कॉमन है ए और बी में, कुछ और कॉमन है क्या, नहीं ना, बस सिंगलटन सेट एक ही चीज़ आएगा, केवल 1, और कुछ कॉमन दिख रहा, मुझे तो नहीं दिख रहा। देखो अगर मान लो क्या होता, अगर ए मान मैंने ऐसा लिया होता, मान लो 1, 2, 3, और बी ऐसा लिया होता 4, 5, 6, ठीक है, तो बताइए तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता, ए इंटरसेक्शन बी होता, कुछ भी कॉमन होता नहीं ना, इसको क्या बोलते, इम्पटी सेट, नल सेट, वाइट सेट है ना, तो यहाँ पे बोलते ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, क्या बोलते इसको, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ जॉइंट है ही नहीं दोनों में, तो डिसजॉइंट सेट, ये टर्म समझ में आ गया, डिसजॉइंट आगे आएगा देखेंगे अभी। अब जरा देखिए कुछ, अच्छा इसको ऐसे ही रहने दो, ए इक्वल टू 1, 2, चलो 5, 8 कर देता हूँ, जाने दो, ठीक है अभी हम इसको मिटा, इसका ज़रूरत पड़ सकता है तो ये। अब जरा देखो एक चीज़ आएगा, कई सारे लॉ आते हैं ठीक है ना, जैसे आइडम्पोटेंट लॉ हो गया, फिर आपका आ गया इसको क्या बोलते हैं भाई, सिमेट्रिक लॉ है ना, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, तो लॉ आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, पर वो होता क्या है, जरा देखो यूनियन इंटरसेक्शन समझ गए, एक होता है आइडम्पोटेंट लॉ, ठीक है अब ये रटना नहीं है कि ये लॉ है वो लॉ है, मत रटो, ए यूनियन ए इक्वल टू ए एंड ए इंटरसेक्शन ए, अगर मैं कहूँ कि इसको प्रूव करना है तो तुम्हारे सामने ए यूनियन ए, ए में ए कंबाइंड करोगे तो ए ही आएगा ना, और दोनों में कॉमन भी क्या है, ए। दूसरा होता है कम्यूटेटिव लॉ, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, इसको प्रूव करोगे ना, आपके सामने एग्जांपल दे रखा, प्रूव कर सकते हो ना, फिर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये तुम्हारा हो गया कौन सा लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। बताओ तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 1, और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो बी और ए में भी वही चीज़ कॉमन होगा कि नहीं होगा, तो कम्यूटेटिव लॉ। थर्ड होता है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ वो क्या होता है, मान लो ए यूनियन बी और सी को मैं एसोसिएट कर देता हूँ, अब ये इक्वल होगा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, देख रहे हो, ए यूनियन बी यूनियन सी, इंटरसेक्शन में भी ऐसे ही कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, लॉ रटना नहीं है। अब देखो ये तो हो गया, एक आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वो क्या होता है, मान लो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी,
इक्वल टू हो जाएगा ये ए यूनियन बी, देख लो इंटरसेक्शन ए, ऐसा कुछ आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, देख लो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, या ऐसा भी तो हो सकता था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये हो जाता आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब मैं इसमें से एक को मैं प्रूव कर देता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अगर ऐसे आए प्रूव करने के लिए और साथ में एग्जाम्पल दिया रहे तो आप कैसे प्रूव करोगे, देखिए आप जरा इसको, इसको मान लो प्रूव करना है, तो एल एच एस ए यूनियन बी, ये देख रहा हूँ इसको प्रूव करना है, सबसे पहले ब्रैकेट निकालिए, ब्रैकेट बी और सी में, अब खाली बी और सी को देखो, ये रहा बी ये रहा सी, दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है वन भी है सेवन भी है, तुम देख रहे हो ना वन और सेवन है ना भाई। इसके बाद ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, अब जरा बताओ ए यूनियन का मतलब क्या होता है वन टू फाइव एट, यही होता ना ए लिख दिया, अब बी इंटरसेक्शन सी इसको भी शामिल करोगे ना, सॉरी बीच में और ये इनका और इनका प्लस, यूनियन का मतलब क्या होता है कंबाइंड करना ज्वाइंट करना, तो वन टू फाइव एट ये क्या लिखा मैंने ए, और वन सेवन को भी इंक्लूड करना है तो सेवन बीच में सेवन भी डालना पड़ेगा, अब आपके पास ए भी इंक्लूड हो गया और बी इंटरसेक्शन सी भी इंक्लूड हो गया, ये तुम्हारा एल एच एस है। अब आ जाइए आर एच एस पे, आर एच एस में क्या है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो पहले आप ये निकालिए ए यूनियन बी, वो निकालना आता है अच्छे से ए यूनियन बी, कैसे वन आएगा टू आएगा, चलो थ्री बी में है वो शामिल करेंगे, फोर भी बी में है, फाइव ए में है, सेवन और एट ये आ गया तुम्हारा ये इंटरसेक्शन। अब ए यूनियन सी, ए और सी को कंबाइन करता हूँ, ए में वन है ए में टू है सी में थ्री नहीं है, है ना फाइव आ गया फिर सेवन आ गया और एट आ गया, तुम देख रहे हो ना यही आएगा कि नहीं आएगा, सेट है तो मिडिल ब्रैकेट डालेंगे ठीक है। अब इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, दोनों में क्या कॉमन है सेवन एट, फाइव सेवन एट कॉमन है कि नहीं है ना, सॉरी देखो तो क्या कॉमन है वन है टू है फाइव है सेवन है एट कॉमन है कि नहीं, ये आर एच एस था, आर एच एस एल एच एस भी यही था कि नहीं बताओ, तो वन टू फाइव सेवन एट, वन टू फाइव सेवन एट, तो जब भी आए इस तरीके से प्रूव करने तो आप प्रूव कर लोगे ना। अब जरा देखो इसके बाद आता है डी मॉर्गन्स लॉ, ये इंपॉर्टेंट है, अभी जितने सारे लॉ पढ़े ना डिस्ट्रीब्यूटिव कम्यूटेटिव उसको खाली जान लो है ना, उसका उसको ज़्यादा दिमाग मत लगाना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लॉ क्या कहते हैं, ए यूनियन बी नॉट कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, या ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू ए नॉट यूनियन बी नॉट। देखो इसमें से मैं एक को प्रूव कर लेता हूँ, देख रहा हूँ यहाँ पे यूनियन है तो इंटरसेक्शन, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यूनियन, मैं एक को प्रूव कर लेता हूँ, ये समझ में आ गया ये क्या है डी मॉर्गन्स। मैं ये प्रूव कर लेता हूँ ए यूनियन बी नॉट इक्वल टू ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, तो सबसे पहले क्या एल एच एस, गौर से देखो ए यूनियन बी नॉट ये निकालना है, तो सबसे पहले आप ए यूनियन बी निकालिए और वो तुम एक झटके में निकाल दोगे, ए और बी को कंबाइंड करो, ए में वन है टू भी है बी में थ्री है ना फोर भी है और ये फाइव है, इसमें देखो ए और बी सब शामिल हो गए। देखो अब इसका मतलब क्या होता है ए यूनियन बी नॉट का मतलब क्या होता है, मतलब यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस करो ए यूनियन बी नॉट का, तो यही मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से ये माइनस कीजिए। अब यूनिवर्सल सेट में क्या है एक से लेके लगातार आठ तक है ना, देख रहे हो इसमें से एक हट गया दो हट गया तीन हट गया चार पाँच सात, तो केवल क्या बच गया छः बचा कि नहीं बचा, तो ये तुम्हारा हो गया एल एच एस इधर वाला,
अब आता हूं आरएचएस पे, आरएचएस यही प्रूव करना था। आरएचएस में क्या है, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। तो सबसे पहले आप ए नॉट निकालिए, उसका फॉर्मूला क्या होता है, यू माइनस ए, यू में से ए को माइनस करो, है ना, यू में से। तो 1 to 5 8 अगर हट जाएगा तो 1 to 5 तो 3 4, 1 to 5 8 तो 6 7 रहेगा कि नहीं रहे? बोलो। इसके बाद बी नॉट निकालिए, यू माइनस बी। अब यूनिवर्सल सेट में से बी हट जाएगा, इसमें से बी हट जाएगा 1 3 4 7, तो 1 भी हट गया तो क्या बच गया, 2 बच गया, है ना, 3 हट गया, 4 हट गया तो 5 बच गया, 6 बच गया और 7 हट गया तो 8 बच गया, देख लो आप, है ना। अब बताइए दोनों का कॉमन क्या है, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, दोनों में कॉमन क्या है बताओ, है ना, केवल एक ही तो कॉमन दिख रहा, वो क्या है, 6 ना, और कुछ दिख रहा क्या, देखो तो यहाँ से देखो तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया कि नहीं, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूफ्ड। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ है, ठीक है, ये हो गया। माइनस करना भी आ गया आपको, क्लियर है भाई। अब ये देखिए, माइनस करना भी आ ही गया। अब जरा एक बात बताओ, मान लो ऐसा सेट बना लेता हूं, मान लो ये देखो ए इक्वल टू 1 2 3 देख रहे हो, एंड बी इक्वल टू 1 2 3 4। अब आप ये कह सकते हो ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, तो बी को क्या बोलेंगे, सुपर सेट, मालूम है ना। क्या होगा ए माइनस बी बताओ जरा, ए माइनस बी, ए सबसेट है मतलब छोटा है, इक्वल भी हो सकता है, फिलहाल तो छोटा ही मान के अभी दिख रहा है इसमें, ए माइनस बी। ए माइनस कैसे करते हैं, पहले ए का सारा चीज लिख लो, अब जो जो ये इसमें से जो बी में इंक्लूड है वो हटा दो, बी में 1 भी है, बिल्कुल है, 2 भी है, 3 भी है, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, खाली रहेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, नल सेट, एम्प्टी सेट, है ना, क्योंकि आप देख रहे हो ए और बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो अगर ए बी का सबसेट है ना तो ए माइनस बी क्या होगा, नल होगा। और देखिए जरा इसी एग्जाम्पल के लिए बताओ, ए यूनियन बी क्या होगा, दोनों को कंबाइंड करो तो बी के बराबर होगा कि नहीं बताओ, ए इंटरसेक्शन बी दोनों को कंबाइंड कीजिए तो क्या होगा, कॉमन, कंबाइंड नहीं, कॉमन करना है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो एक प्रॉपर्टीज है, याद रखना प्रॉपर्टीज, अगर कुछ ऐसा सेट है ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो आप बताओ कि ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5, ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तुमने देख लिया, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी, ये सब समझ रहे हो, ये क्लियर। तो इस तरीके से चीजें आपको अब दिखाई देगी, इस पर क्वेश्चंस बहुत सारे है ना, कुछ लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम है, जब एक बार बताओ तो ऐसी कोई लैंग्वेज दिया रहेगा, यू ऐसा दिया रहेगा, यू इंटीजर, यूनिवर्सल सेट में सारे इंटीजर है, मतलब 0 है, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, ए दे रखा मान लो होल नंबर, है ना, बी दे रखा नेगेटिव इंटीजर, मतलब मैंने पूरा तो लिखा नहीं, यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ए इज द सेट ऑफ होल नंबर, बी इज द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, मैं तो डिस्कस कर रहा हूँ। तो बताइए तो ए नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब यू में से ए माइनस करो, मतलब सारे इंटीजर में से होल नंबर माइनस करो, होल नंबर में क्या आता है, 0 1 2 3 4 5 6 आता है ना, तो वो सब अगर हटा दिया तो क्या बच गया, नेगेटिव इंटीजर बचेगा कि नहीं, क्योंकि सारा तो हटा ही दिया, नेगेटिव इंटीजर बच गया, पॉजिटिव होल नंबर का मतलब क्या, 0 के अलावा पॉजिटिव। अगर कोई आपसे कहे ना कि बी अगर हटा दिया तो क्या होगा, नेगेटिव अगर हटा दिया तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 हटा दिया तो 0 1 2 3, तो यहां से क्या बच जाएगा, होल नंबर बचेगा, समझ रहे हो ना बात को, होल नंबर। एक होता है एम्प्टी सेट, कुछ भी नहीं है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मतलब यू माइनस 5 क्या होगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं, यू में से कुछ भी नहीं माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, यही होगा और क्या होगा, ठीक है।
बात समझो ना, ये जो इम्पटी सेट होता ना, हर एक सेट का सबसेट होता, क्लियर है? तो जरा बताइए, तो अगर मैं ऐसा बोलूँ ना कि यूनियन ए क्या हो जाएगा, तो सुपर सेट हो जाएगा, और अगर इंटरसेक्शन की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, तो जो सबसेट है वो हो जाएगा, है ना? क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है तो कुछ भी कॉमन नहीं, तो ये चीज़ें हो गई, है ना? इस पर मैं कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, तुम उसको ढंग से देख लेना। Masalei, wasa masalei.